अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। इस वक्त मैं अभी सुबह के तकरीबन 11 बजे हैं और मैं तहरीक लद्दाख के मरकज जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर जो है वो मौजूद हूं। गुज़श्ता रात एक क्रैकडाउन जो है वो शुरू हुआ। मेरी कुछ सहाफी दोस्तों से बात हुई, कुछ क्राइम रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि आईजी पुलिस पंजाब के जेर सदारत कल एक तवील होने वाले अजलास में तहरीक लद्दाख के कारकुनान के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन करने की मंजूरी दी गई है। कल रात जो है पंजाब भर के अंदर जो तहरीक लद्दाख की क्यादत थी उसको गिरफ्तार किया गया, बच्चों को गिरफ्तार किया गया, मदरसों से जो है वो बच्चों को गिरफ्तार किया गया। और अब ये प्लान किया गया है कि आज रात, यानी कि आज जुमेरात की रात है, आज रात जो है यहाँ पर तहरीक लद्दाख के मरकज के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। ये इस बात की तस्दीक हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि इस इलाके के मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज हैं, सब्जादार का इलाका है, इकबाल टाउन का इलाका है, शेरा कोट का इलाका है और समनाबाद टाउन का इलाका है, वहाँ की तमाम की इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो पुलिस की भारी नफरी है वो भी इस पूरे एरिया के इर्द गिर्द मौजूद है। पुलिस ने पीछे करके जो है ना सिर्फ ये कि अपनी नफरी तैनात कर ली है बल्कि वहाँ पर जो वाटर कैनन और कंटेनर जो है वो भी लगा दिए गए हैं। इस बात की तस्दीक की जा रही है कि तहरीक लद्दाख के मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के खिलाफ आज रात जो है वो एक भरपूर किस्म का क्रैकडाउन जो है वो होगा। कल रात CCPO लाहौर की तरफ से एक वीडियो जो है वो भी रिलीज हुई जिसके अंदर वो पुलिस के जवानों के बहुत बड़े मजमे से खताब कर रहे थे और उनको मोटिवेट कर रहे थे इस ऑपरेशन के लिए, जिससे ये तासुर वाजह होता है कि तहरीक लद्दाख के इन पुरमन कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन करने का पूरा बंदोबस्त जो है वो हो गया है। अब एक लम्हे के लिए यहीं पर रुकें, अगर खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत और पुलिस जो है वो होश के नाखून नहीं लेती और तहरीक लद्दाख के यहाँ पर मौजूद हजारों लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करती है तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान के आवाम का होगा। पुलिस जो है तहरीक लद्दाख के कारकुनान को कहती है कि ये मर गए और तहरीक लद्दाख के कारकुनान जो है वो कहेंगे कि पुलिस के लोग जो है वो मर गए। 12 अप्रैल को होने वाली जो हंगामा रही थी उसके अंदर पुलिस के जो कुछ जवान थे वो शहीद हुए, 3-700 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए। इसी तरह जो तहरीक लद्दाख के 26 कारकुनान थे वो शहीद हुए और जो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो जख्मी हुए। अब आप इन दोनों फ्रीकैन के लिए तो एक दूसरे के लिए ये लोग मर गए, लेकिन बतौर पाकिस्तानी सोचे हमारे लिए तो दोनों लोग ही जो है वो शहीद है, हमारे लिए तो वो पाकिस्तानी है। इसलिए मैंने गुज़श्ता रात भी हंगामी मुनादे के ऊपर ये व्लॉग बनाया था कि आर्मी चीफ को चाहिए कि वो इस पूरी सूरत हाल का नोटिस ले, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ना कोई कोई भी जो है